हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 4 बज गए और मैं निकल गया हूँ पार्क वॉक करने के लिए। फिटनेस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो अपने स्टडी के साथ साथ अपना हेल्थ का भी ख्याल रखो। एक्चुअली ये रोड ना कभी खाली नहीं रहता है, बस मैं इसको इस टाइम ही सुबह टाइम ही देखता हूँ खाली, अदरवाइज एकदम क्राउड ही क्राउड रहता है इस रोड पे। एक चाय दे दो। चाय के पैसे दे करो, आ जाओ। अभी बहुत चाय पीते हैं। और मैं अभी आ गया हूँ पार्क, काफी कम क्राउड है और वाइब्स बहुत ही अच्छा रहता है सुबह सुबह। तो थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ, फिर निकलूँगा रूम और वहाँ से जाएंगे लाइब्रेरी। तो पहले थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं यहाँ पे। थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं लग रही, क्योंकि सर्दी और जुकाम हो गया, गला भी थोड़ा बैठ गया। आई डोंट नो व्हाई ऐसा क्यों हुआ, पढ़ना ज्यादा जरूरी है तो खास कर ये टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी चलते हैं, पढ़ते हैं। तबीयत खराब होना ये सब तो छोटी मोटी चीजें चलती रहती है, तो इस चीज को इतना माइंड नहीं करना। सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, पढ़ाई। तो पढ़ाई करेंगे, ये सब होते रहेगा, सब ठीक हो जाएगा। तो चलते हैं लाइब्रेरी। एक एक टैबलेट। अरे मैं हिला तेरा, ये गला खराब हो रहा आपके लिए तो वो बीपी का पेशेंट हो जाए। ये मिला बता ही समझे हम कहेंगे ना भैया, अगर यहाँ कोई नौकरी करना चाहे तो कोई से कि हाँ मैं आते वक्त दवा ले लिया था, तो अब सबसे पहले दवा खा लेता हूँ जिससे मुझे थोड़ा अच्छा फील हो और पढ़ाई में अच्छे से कर पाऊँ। तो दवा खा के अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वेल एंड गुड, अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप मंथली मैगजीन किसी भी कोचिंग का ले सकते हो, वहाँ पे हर जो भी न्यूज़ होते हैं टैगलाइंस जो न्यूज़ होते हैं पूरे मंथ के, वो आपको एक कंपाइलेशन में मिल जाता है। तो अगर आप ये देख रहे हो कि अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो तो आपका कुछ मिसिंग है, ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं रहता है। यहाँ पे मुझे मिल जाता है इसलिए मैं पढ़ लेता हूँ। अदरवाइज मंथली मैगजीन ले लो, 2 कोचिंग का ले लो अगर नहीं पढ़ते हो तो भी बेटर है, कोई इशू नहीं रहता। जैसे आर्टिकल है, तो ऐसे आर्टिकल में जैसे मोदी ने अटेंड किया SEO सबमिट को, तो कहाँ पे हुआ है ये चीज़ें। तो कभी कभी PCS में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कहाँ पे SEO सबमिट हुआ था एंड इंडिया से कौन अटेंड किया था, तो सर्टेन लाइक दिस। इसलिए मैं बोलता हूँ कि न्यूज़पेपर थोड़ा सा आपको अच्छा रहता है पढ़ने के लिए। मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं थी तो मैं वापस रूम चला गया था, थोड़ा सा रेस्ट किया और वापस लंच करके वापस लाइब्रेरी आ गया, क्योंकि जो अपना टारगेट रहता है उसको कंप्लीट करना है चाहे जैसे भी हो। तो ये क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस, कुछ टाइम पहले मैंने इसको स्टार्ट किया था, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता है। तो ये ऑलमोस्ट 2-3 चैप्टर और बचे होंगे, तो इसको मैं पढ़ता हूँ, इसको ख़त्म करता हूँ। अभी भी इसके 4 चैप्टर इसमें बचे हुए हैं, तो मैंने एक ख़त्म कर दिया अभी। तो आज मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ और आज इसी को कंप्लीट करूँगा मैं पूरा।
अब मुझे चाहिए थी रेस्ट, तो मैं यहीं पे नैप ले लेता हूँ, थोड़ा सा लेट जाता हूँ, इससे होगा कि थोड़ा सा मुझे आराम भी मिल जाएगा और रूम जाने से अच्छा है कि रूम जाएंगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट कर देंगे वहाँ पे, इसलिए यहीं पे रेस्ट कर लेते हैं। अभी मैं ब्रेक लेता हूँ तो उस टाइम कोशिश करता हूँ कोई वीडियोस देख लूँ, मोस्टली मैं गौरव सर के ब्लॉग देख लेता हूँ, काफ़ी अच्छा होता है, फैमिली वाइब्स होती है तो वाइब्स यहाँ से बहुत अच्छा आता है। तो अगर कोई गौरव सर का फैन है तो उनको जरूर इस वीडियो में टैग करना, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे देखना इनका ब्लॉग। काफ़ी बार बोला है कि जब भी आप पढ़ाई करते हो तो हर दो घंटे या हर एक घंटे बाद थोड़ा सा 10-15 मिनट का ब्रेक जरूर लिया करो, इससे आपका मूड अच्छा हो जाता है और आप एक अच्छा रीस्टार्ट कर पाते हो अपनी स्टडी को। तो आप उसमें जो आपको अच्छा फील हो, जो आपको करने की इच्छा हो, थोड़े टाइम के लिए 10-15 मिनट के लिए आप कर सकते हो, जिससे आपका मूड फ्रेश हो जाए और अब वापस आप पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट कर सको। एक छोटे चाय दे दो। वापस मैं लाइब्रेरी आ गया हूँ, पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि जो मेरा टारगेट था, जो भी आज मैंने सेट किया था कि ये मुझे बुक आज ख़त्म करनी है, तो किसी भी कीमत पे मैं इसको ख़त्म करूँगा, क्योंकि मुझे 90-95% अपना टारगेट कंप्लीट करना है। तो अगर आपको ये भी कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया कीजिए, जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि और वीडियोज़ बनाने के लिए।